हेलो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चे काफ़ी बार बार डाउट पूछते हैं, तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। जैसा कि ये डाउट तनिषा का है, तो क्वेश्चन ये है आपको कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जहाँ पे ए टू जो है बी टू से रिएक्शन करके बना रहा है टू ए बी। अब इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन को कंप्लीट होती है एक से ज़्यादा स्टेप में, तो वो स्टेप दिया हुआ है कि ए टू जो है ए प्लस ए बनाता है जो कि फास्ट रिएक्शन होती है, और ए प्लस बी टू मिलकर ए बी प्लस बी बनाता है जो कि स्लो रिएक्शन है, और एक फास्ट रिएक्शन गिवन है ए से बी इक्वल टू ए बी बनता है, ये फास्ट रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है ऑर्डर, क्या पूछा गया है ऑर्डर क्या है। ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वेट, क्या लिखेंगे, तो पहला स्टेप हम यहाँ लिखेंगे बेटा वेट, वेट लॉ के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लिखेंगे वेट। तो आइए इसके लिए हम वेट लिखते हैं, तो वेट हमेशा स्लो रिएक्शन के लिए लिखी जाएगी। किसके लिए लिखी जाएगी, स्लो रिएक्शन के लिए। तो स्लो रिएक्शन के लिए वेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू के ए और बी टू, क्लियर, पावर वन पावर वन। अब यहाँ पे हमको ये कहोगे हमारे वेट, क्लियर। अब यहाँ से ऑर्डर तो सबके लिए पूछा गया है, तो हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू चलो हम इसके लिए निकालते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। देखिए ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो के इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा ए और ए अपॉन ए, क्लियर। ए है तो हम तो इसको लिख देंगे ए की पावर टू अपॉन ए टू, ये हो गया हमारा क्या के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम निकाल के हम यहाँ पे ए की वैल्यू हमको चाहिए, हमको यदि ए की वैल्यू निकालना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के इक्विलिब्रियम अपॉन ए का स्क्वायर अपॉन ए टू है हमारा ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो के इक्विलिब्रियम अपॉन ए टू ए टू, ये हो गया हमारा ए का। तो हमको वैल्यू चाहिए ए की, ए स्क्वायर की नहीं, तो हम ए स्क्वायर को ए में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए इक्वल टू के इक्विलिब्रियम ए टू का हो जाएगा वन बाई टू, क्योंकि पावर बढ़ जाएगा तो ज़्यादा जाएगा वन बाई टू। अब इस ए की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन में, तो ऑर्डर आ जाएगा तो हमारा इक्वल टू आर इक्वल टू के ए के अगर हम लिख देंगे ये वैल्यू, तो हम लिख देंगे के इक्विलिब्रियम ए टू पावर वन बाई टू इंटू ए बी है, इंटू ए बी है, तो ऑर्डर हमारा देखिए यहाँ पर वन, एम इक्वल टू वन बाई टू, एम इक्वल टू वन हो जाएगा वन बाई टू प्लस वन इक्वल टू थ्री बाई टू यानी कि वन पॉइंट फाइव। जो आपने क्वेश्चन भेजा था उसका थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा वन बाई